बिहार विधानसभा में 28 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। युवाओं को उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार इस बार जॉब को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे भी किए थे। ऐसे में आइए बताते हैं कि इस बार किन सेक्टर पर सरकार जोर दे सकती है ताकि राज्य में रोजगार के अवसर बन सके। सरकार बनने से पहले ही तेजस्वी यादव लगातार रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद वो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। अगस्त 2022 को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया है। ऐसे में बजट में इस बार रोजगार पर ध्यान दिया जा सकता है। सरकार इस बार रोजगार को लेकर कोई योजना भी ला सकती है और खाली पदों को भरने की घोषणा भी कर सकती है। बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। सीएम नीतीश कुमार कितना भी कहे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, लेकिन वो अभी सबसे बड़े चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा हो सकता है। ऐसे में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश की बात कह सकते हैं। इससे भी रोजगार के अवसर काफी ज्यादा पैदा होंगे। इस बार सरकार स्वरोजगार के रूप में भी बजट पेश कर सकती है, जिसमें लोगों को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार लोगों को पूंजी उपलब्ध कराना, अनुदान देना, इंटरेस्ट रेट में छूट देने जैसे बड़े फैसले ला सकती है। इसमें युवा नौकरी की तलाश ना करके भी रोजगार हासिल कर सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में 28 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। युवाओं को इस बार उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार इस बार जॉब्स को लेकर कई बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे भी किए थे। ऐसे में मैंने बताया कि इस बार किस सेक्टर पर सरकार जोर दे सकती है ताकि राज्य में रोजगार के अवसर बने रहे। सरकार बनने से पहले भी तेजस्वी यादव लगातार रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने के बाद वो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी क्या वाकई बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव सरकार में आने से पहले ये वादा किए थे कि वो बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। तो इस बार 28 फरवरी को बजट पेश होना है। इसमें बिहार के युवाओं को काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस बार के बजट पेश के दौरान उन्हें रोजगार का एक बड़ा वादा मिल सकता है, उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार का ऐलान हो सकता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।